This is Safa. Yes. This is Safa. जैसे हम लोग भी इंडियन ताली मार मार के हंसते हैं ना, ये लोग भी ऐसे ही हंस रहे थे. घरों में जा रही थी ना तो मिल को बोलते, अरे ये इंडियन कहाँ से आई और ये इतनी फ्रैंक कैसे है, ये कैसे मतलब हमारे घर में आ रही है, हमारे घर में तो कुछ नहीं होता. और ये तो मतलब उनके हिसाब से हम लोग बहुत खूबसूरत है. और बेबी टोमेटोस, बेबी आको मैम kutunatembea amefurahia amesema wacha asalimie wao asalimie kijiji. Habari mama? Nzuri sana. Uko salama? Wewe ni mtoto, wewe ni mtoto nani? Mimi ni bibi ya helikopta. Ah, kumbe ni wewe. मिली यहाँ पे नहीं आई, ऐसा लग रहा है. ये उस मामा का घर है जहाँ पे वो अभी देखे. और वो कैट देखा आपने, वो खा रही है. अभी चूल्हा उन्होंने बुझाया देखो. और ये जो भी वेस्टेज होता है ना मेज का, वो ये लोग जलाने में यूज कर रहे हैं. तो देखे इस तरीके से इनका किचन है देखे. और यहाँ पे वो लोग सोते हैं. मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ, उनको मैंने परमिशन भी नहीं लिया अभी तो. देखिए और ये मतलब ये पुराना घर तो ये है ना. और नया घर ना इधर बनाया है. देखो ये कैसा बनाया है, मतलब ये स्टोन्स का बनाया है देखो. और यहाँ से अभी अंदर चलते हैं. हाँ ये तो सही बनाया है थोड़ा, है ना. ऊपर पत्रा लगाया है, सीमेंट का प्लास्टर किया है. या नाइस हाउस या तो इनका सोयली में कुछ चल रहा है. और देखा ना आपने, ये ऐसा घर बनाया और वो भी उनका ही है. यहाँ पे वो झाड़ू लगा रहे थे देखो. ये पूरा मतलब उनका ही है देखा पूरा. अभी मुझे पता चला कि घर छोटे रहते हैं लोग. देखे इतना ही घर है, लेकिन जो बाहर का जो स्पेस है ना वो बड़ा रखते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे ही घर के ठीक बाजू में ही खेती कर सके. तो छोटे छोटे प्लॉट्स में ना वो लोग खेती करते, साल का राशन निकाल देना, इतना तो वो लोग मतलब निकाल ही देते हैं, उसमें ग्रो कर ही लेते हैं. तो इतना तो स्पेस वो लोग छोड़ते हैं ताकि साल भर का जो मेज़ लगता है वो लोग वो उसमें से ग्रो कर सके. ये उन्होंने अभी भी नहीं तोड़ा है, ये भी यूज़ हो रहा है उनका. आया मैम असंटे साना. जैसे हम लोग भी इंडियन ऐसे ताली मार मार के हंसते हैं ना, ये लोग भी ऐसे ही हंस रहे थे. और ऐसे बोल रही है वो कि अच्छा ये सब दिखाना भी पड़ता है क्या इन लोग को, मतलब ये इसमें क्या देखना है ऐसे. हमारा तो क्या, हम तो गरीब है, हमारा तो क्या देखेंगे ये लोग. लेकिन यही तो ब्यूटी है यहाँ की, गरीबों के भी ये लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं ना, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट में. हमारे पास करोड़ों के घर है, लाखों का पैसा है, इंडिया में हर एक बंदा ऐसे स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है. और लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पाने की, लेकिन सुकून नहीं है उनको. तो इसलिए मुझे लगता है ये लोग सुकून में जी रहे हैं. पैसा भले ही कम है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग जी रहे हैं ना, हैट्स ऑफ है उनको. मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से. देखिए आपने देखा ये घर कितना अच्छा बनाया है. और इधर भी हर एक घर के एंट्रेंस में ये लगा है देखिए. और ये घर तो बहुत ही मस्त बनाया है. आपने देखा इसमें भी डाइवर्सिटी कितनी है. वो पत्थर का घर है, वो मिट्टी का घर है, ये प्रॉपर सीमेंट और पत्थर मतलब जो स्टोन ब्लॉक्स होते हैं उसका बनाया है. तो एक ही जगह पे आपको हर एक टाइप का घर मिल जाएगा देखने को. इतनी सारी घरों की वैरायटी और लोगों के स्टैंडर्ड की भी वैरायटी है यहाँ पे. कोई अमीर, बहुत गरीब, फिर उससे भी ज़्यादा गरीब. तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अमीर है जिसके बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स है और बहुत सारी काउज है, शिप्स है, गोट्स है, और
देखिए वहाँ पे एक काफ बांधा है, मतलब जो बेबी काउ होती है वो इस तरीके से। और मामा तो यहाँ देख दिख रही है मुझे, ग्रेस मामा उधर से। ओए तो मुझे पीछे बुला रही है वो, यहाँ से एंट्री है आगे से। और नीचे ना अब पता नहीं कितनी बार मैंने गोबर में पैर दे दिया है, तो नीचे तो हर जगह गोबर पड़ा है, क्योंकि ये लोग मतलब लाइक ज़्यादा यहाँ पे काउज और शिप्स गोट्स है ना, तो हर जगह उनका डंक है। इधर ही बाजू में उन्होंने भाजी लगाया है। अवाकाडो, वाओ। हाय मॉम, दिस इज व्हाट तरेरे, यू हैव तरेरे, वेयर शांबा वापी, वाओ नाइस, आई ईट तरेरे, यू नो आई लव इट। देखिए ये अवाकाडो का इतना बड़ा झाड़ है, ऊपर तक लगे थाउजेंड्स ऑफ अवाकाडो। सो व्हाट्स दैट मॉम? ओके। और यहाँ पे ना उन्होंने मतलब लाइक बोगा लगाया है, मतलब क्या बोलते हैं, भाजी लगाया है। और देखिए यहाँ पे वो लोग काऊ वगैरह को बांधते हैं, और यहाँ पे गोट्स है देखिए। और यहाँ पे उन्होंने भाजी लगाया बोल रहे हैं दोनों। ये खुलता है क्या? ओके ये खुलता है। अच्छा यहाँ से लॉक है। अच्छा ये देखा, ये तरेरे का सब्जी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये इंडिया में भी मिलता है ना, इसके लिए मुझे पसंद है। यहाँ के लोकल सब्जी तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, लेकिन ये सब्जियाँ इंडिया की है तो हम खा सकते हैं इसको। देखिए और वही वो अभी बना रही है। और ये आम का पेड़ लगा है यहाँ पे भी, अभी खोद के रखा है, तो यहाँ पे भी अभी कुछ ना कुछ भाजी लगेगा। और लेमन लगे हैं, देखो देखिए आपने इसमें लेमन लगे हैं देखो यहाँ पे। और ये तो आपने पहचान लिया ना, स्प्रिंग ऑनियन है। देखिए बनाना के ट्रीज तो बहुत है, इसमें बनाना भी लगने को आया रहता है इस साइड में। तो देखा आपने, घर भले ही छोटे हैं इनके, लेकिन आप देख सकते हो इसमें भी कोई फ्रूट तो लगा है, लेकिन ये कौन सा फ्रूट है मुझे भी नहीं पता। देखो इस तरीके से, और ये मैंगो ट्री है, तरह तो बहुत सारा लग गया है इधर। देखो यहाँ पे भी है। थैंक यू। ये पानी का टेस्ट है ना, क्योंकि ये बोरिंग का पानी है ना, तो इसका टेस्ट तो आपको पता है ना, बोरिंग का पानी का टेस्ट कैसा होता है, तो वैसा ही है ये। हाँ तो ये ना 5 बजे निकालने वाले हैं दूध गाय का, तो बोल रहे थे तब तक रुकेगी क्या, तो लाइक अभी 5 बजे तो फिर पता नहीं मुझे, हम तो चल के भी बहुत आ गए, तो अभी देखते हैं, अभी तो और लाइक 45 मिनट्स है, तो देखते हैं अभी रुकना है कि जाना है, मुझे भी नहीं पता है। यू ईट इट्स मचूंगा या तो नो स्टिल आई डोंट वांट। देखा आपने ये आया है ऑरेंज इस पेड़ पे, अच्छा मुझे लगा नींबू का है, लेकिन ये ऑरेंज है। और इनकी टंकी जो है ओवरफ्लो हो गई है, तो वहाँ पे पानी भरने के लिए वो लगा दिया है। पम्पकिन आकू ना मम, पम्पकिन हाँ नजू वाले के नापा नटा कही। लेकिन
और स्काई देखा आपने कितना ब्लू और क्लीन दिख रहा है। वो ना मुझ मेरे लिए निकाल रही है ये। What are you doing here? You have to take blessings. You don't go like that. Blessings like? What like can it? Nini Iko. Yeah, Sawa too. See Nini, you know these clumps? Not clumps. This strawberry. Oh, they are strawberry. Yeah, these are strawberries. Imagine. These are berries. स्ट्रॉबेरी तरेरे सीजो ई कोनी ई नी पैशन आपाना इट्स नॉट पैशन नो ओ और इनके पास ना ये लेमन ग्रास भी है देखो बहुत सारी है इनके पास with diabetes. Oh, they are baby tomatoes. Baby tomatoes. No, yeah. Not then? Baby tomatoes. I don't know how we call it. Yeah. Nini naitwa nini? Nyanya tu. This one? Yes. They are in a way special. Dekha, baby tomatoes aaye hai isme bahut sare. Fresh. Yeah. But there is no any chemical. Yeah, I know. No, that's why, you know, Kenya is Kenya. It's beautiful and very pure. Very pure. Everything, whatever we eat. This one, you can go and cook with them, huh? No. And there are many down. She doesn't eat rich people, they are rich. It's a lot, a lot, a lot. No, she's very rich. With mboga, fruits, everything. Yeah, imagine. I love fruits. Yeah, they are tomatoes only. You can just eat like that. Let me taste it. It's so sweet. मिली ने जो मिला वो लेके बैठी है वो तो सो सही को टाइम नो ओपन दैट साइड और इनकी गाय तो आ गई है देखिए देखा आपने किसी ने भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है और ये मैडम है जो बोल रहे हैं कि वेलकम तो हम जाते हैं पहले वहाँ पे विल सी दैट फर्स्ट ओके तो मैं दिखा दूँ इनका भी ऐसा मड हाउस है यहाँ पे दिस इज फॉर कुकू यस ओके तो ये हैंस के लिए बनाया है उन्होंने ठीक है और यहाँ से उनका है किचन ओके ओके तो ये मामा ग्रेस का शीज योर डॉटर शीज योर डॉटर वाह ओके ओके एंड द सन ऑफ हर्स ग्रैंडसन द सन टू हर Pretend as I was that person. You are at mother-in-law's place. But I have cooked all the jibo. Yeah, then
This one is kefube. Yeah, with the sticks, with the food. This is sapa. Yes. This is sapa. Okay. Come, this side. तो आपने देखा मामा बना रही है ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो जिसमें है इज इट मिक्स और क्या तरेरे मिक्स तो इसमें है तरेरे तो माट का जो सब्जी होता है ना वो है जो मैंने भी लिया है और बाकी की जो भी सब्जियां ये खाते हैं ना वो मिक्स सब्जी इन्होंने बनाई है देखो एंड इट हैज ओनली सॉल्ट इन साइड नो सॉल्ट क्या की आई विल कम एंड प्रिपेयर And this is ugali. हाँ, तो ugali और sukuma इसको यार, is this sukuma? No. Sukuma. Mix. Biwa mix vegetable. Biwa vegetable. तो देखिए ये इधर बन रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा अपना अपना पक्षी शूट किया, बनाया कुछ नहीं, और मामा इतनी kind है, उन्होंने मुझे allow किया. Thanks for allowing me to just shoot here. और इनका थोड़ा भी ठीक है कोई ऊपर ऐसे बाड़ा लगा है उसमें भी कुछ है। और ये बहुत पुराने टाइप की इनके पास केटल है यू आर स्टिल यूजिंग दिस दिस वन फॉर व्हाट नो या जस्ट फॉर शो पीस तो यहाँ पे केटल रखी है और आपने देखा धुआं जिस तरीके से होता है ना तो उस चीज तरीके से यहाँ पे धुआं से ये काला हो गया थोड़ा और इस तरीके यहाँ पे देखोगे आप पूरा ये मड़ का बनाया है तो ये सिर्फ उनका जिकोनी है मतलब तो ये नहीं ओके तो ये सिर्फ किचन है दिस ओनली किचन एंड देन मामा बोल रहे चलो अंदर जाते अंदर का दिखाते मस्त तो विच शूज इज ओके ओके तो उन्होंने शूज तो अलाउ किए हैं तो अब मामा दिखाएगी उनका घर कैसा है अंदर से और इसको ना हम लोग कोबा बोलते हैं अभी इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं लेकिन महाराष्ट्र में तो ये कोबा बोलते हैं यहाँ पे ओके तो ये बेडरूम है थोड़ा सा मैसी है मतलब वो तो कॉमन है इट्स नॉट अ बिग डील बेडरूम एंड द किचन हाँ मस्त हवा चल रही है यहाँ पे तो हाँ ओके हाँ तो यहाँ पे भी छोटा सा किचन उन्होंने रखा है और ये दो बेडरूम ही है तो सिटिंग रूम डाइनिंग टेबल टीवी लगी है तो आप देख सकते हो आपको लगेगा केनियन गरीब है लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है इनके पास हर वो चीज़ ज़रूरत की है जो कि होनी चाहिए People always thinks in India Kenyans are poor, but it's not true. Yes, it's not true. Look at the house. It's a beautiful house. She have her own farm, own cuckoo. Yes, own cows, own sheep, and she's growing her own food, which is really appreciable. इस तरीके से ये घर है देखिए इस तरीके से ये घर है उन्होंने चूल्हा जो है अलग से ही रखा है ताकि सारा जो धुआं है वो नए वाले घर में काला सब कुछ ना हो इसलिए ओके आई कम अगेन तो अब चलते हैं घर मामा ग्रेस का तो हमने दिखा दिया कैसा कितना अच्छा मस्त ब्यूटीफुल घर है उनका और देखिए कितने सारे उनके पास मवेशी बोलते हैं पता है ना मवेशी बोलते हैं इनको तो बहुत सारे इनके पास भेड़े हैं बकरियां हैं बहुत सारे काव्स है इवन दिस इज हर्स The boy's house. तो ये उसके लड़के का बना रहे हैं वो लोग और देखा उनका खेत कितना बड़ा है एकदम उधर तक है और बहुत सारा चीज़ उन्होंने उगाया है
तो इस तरीके से ये व्लॉग भी, क्योंकि देखिए 4:45 तो हो गए, अभी 20 मिनट और रुकते तो वो दूध निकालेंगे तो वो भी दिखता था, बट इतना टाइम नहीं है, फिर घर जाने में भी लेट हो जाएगा, बच्चे भी बोर हो गए होंगे, तो अब चलते हैं घर। और ये तीनों चारों व्लॉग्स आपको कैसे लगे वो आप मुझे ज़रूर बताइए। पता है आपको एक बात बताती हूँ, मिली व्हाट डू यू थिंक, ऑल इंडियंस कैन एंटर इन अफ्रीकन्स हाउस, दे हैव दैट गट्स टू एंटर? नॉट रियली, फॉर श्योर नॉट, बिकॉज इवन मी दे आस्क मी हाउ कम, हाउ डू यू इंटरैक्ट विद इंडियन पीपल, बट इट नॉर्मली डिपेंड्स, या how we are but giving Africans, respect to they are them so yeah? home welcoming, yeah, of course, even so many of them today they are so happy, of course, yeah, yeah, they are so happy, they were so happy, yeah, so they are asking me how come, what do you give them to eat? ha matlab wahi hai आपने, मतलब अगर इंग्लिश नहीं समझ में आया होगा तो वही मैंने मिली आपके सामने मिली को पूछा कि क्या कोई इंडियन इतनी इजीली अफ्रीकन्स के हाउस में और वो भी लेडी एंटर कर सकता है क्या, या आज तक यहाँ पे कोई इंडियंस या ऑफ कोर्स, हाँ क्योंकि यस ऑफ कोर्स। तो मिली के गांव आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का यही मोटो है, मिली को भी पूछने का आपके सामने कि मतलब यहाँ के लोग इंडियंस के बारे में सोचते कि वो लोग रेसिस्ट होते हैं। पहले तो बहुत सारे इंडियंस को अफ्रीकन्स ज़्यादा पसंद नहीं है और वो लोग उनसे दूर रहते हैं, उसके हर एक इंडिविजुअली उनके कुछ अपने ख्याल है, कुछ अपने उनके एक्सपीरियंसेस है, बट मेरा तो पहले से ही ऐसा है कि ये लोग मेरी पहले से बहुत सालों से दोस्त थे, 8 साल लगभग हो गए, मिली, नाजमा और बाकी बहुत सारे दोस्त थे मेरे अफ्रीकन, तो मैं इनसे यूज्ड टू हूँ। और जब भी अभी मैं इनके घरों में जा रही थी ना तो मिली को बोलते, अरे ये इंडियन कहाँ से आई और ये इतनी फ्रैंक कैसे है, ये कैसे मतलब हमारे घर में आ रही है, हमारे घर में तो कुछ नहीं होता, और ये तो मतलब उनके हिसाब से हम लोग बहुत खूबसूरत है, और वो लोग ऐसे बोलते वरेम्बो, या मिली ब्यूटीफुल इज वरेम्बो, या तो वो हमेशा मिली को बोलते वो वरेम्बो है, ऐसे मतलब खूबसूरत है, वो कैसे आ गई हमारे यहाँ पे, तो इनका ऐसा यूजुअल टॉक होता है। जनरली ये लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इंडियंस रूड होते हैं, वो जल्दी से अफ्रीकन्स के घर पे नहीं इंटर करते, या बहुत सारी चीज़ें वो हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आपने देखा कैमरा बंद नहीं किया था, कहीं पे भी पॉज नहीं किया था, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कंटिन्यू शूट करने का कोशिश किया ताकि लोगों के रिएक्शन, जो एक्चुअल रिएक्शंस है वो आपको दिखे, और किस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया आपने वो भी देखा। कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने हमें एंट्री से मना कर दिया, कुछ भी दिखाने से मना कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं था। आपने देखे 3-4 हमने घर देखे, पर दे वर ऑल वेरी काइंड एंड वेरी लाइक फ्रेंडली। मिली के दोस्त हैं सारे, ये सारे उनके उसके पड़ोसी है। तो इस तरीके से ये व्लॉग्स मैंने शूट किए। आप अगर सच में अफ्रीकन्स के घर में जाओगे ना, but the mamas today they are so happy, yeah, me, even if they are poor, yeah. And unke paas kuch nahi hai aise hame welcome karne ke liye, to bhi hum agar smiley face se unko interact kare na, jise aapko to abhi pata hi hai itne sare vlog mein aapne dekha hai ki african se main kaise rehti hu, aur main actual mein waisi hi rehti hu, main pretend nahi kar sakti, main in log se pyar se rehti hu, वो भी मुझसे प्यार से रहते हैं। तो स्टार्टिंग भी इन लोग से हुई थी, इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हूँ इन लोग से। तो बस अभी चलते हैं घर, मतलब मिली के घर चलते हैं, फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने घर। ब्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइए। आपको पता है इनके घर में एंटर करने के लिए ना गट्स की ज़रूरत होती है, जो कि मिली तो बोलती है तू कर लेगी ना
ऐसे पहले ही मुझे बोलती जाना है तुझे पक्का है, देख ऐसा ऐसा रहता है उनके घरों में, स्मेल होती है अलग सी। अभी जो एक मामा दिखाई वो दारू बनाती है घर में, वही एक इनकम का सोर्स है उनके, तो वो पहले से ही पूछ के रख दे तू पक्का जा सकती है ना ऐसे। तो फिर बोलती हाँ कोई बात नहीं चलेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें देखो मैंने दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको व्लॉग्स तीनों चारों जितने भी बने हैं, अभी मुझे नहीं पता कितने बने हैं, वो सारे अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सारे व्लॉग्स मेरे कोकन टू केन्या के देखिए। और बस देखिए कितना सफ़र हमने तय किया पीछे से। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्था बाय। मिली बाय, मिली देखो पोगा सारा लेके बाय।